7 है, इसमें एक राइट ट्राइंगल है आपका जिसकी साइड 15 और 20 है, अदर देन हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज आपको नहीं बताई है, इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमने इसको क्या किया है, सपोज ये राइट ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल हमने यहाँ पे लिया है, क्यों, क्योंकि हमें क्या बोल रहे हैं, इसको रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। ये 15 सेंटीमीटर है सपोज, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये साइड कितनी आएगी, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, ऐड किया 625 किसके स्क्वायर है, तो ये साइड आपकी 25 सेंटीमीटर आ गई। अब इसको इसके अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज रिवॉल्व किया है, तो ये साइड्स आपकी ऐसे नीचे आ जाएंगी जब रिवॉल्व करेंगे, तो ये 15 सेंटीमीटर और ये अगेन 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है यहां तक। नाउ अब डबल कोन, अब इसमें अगर हम कोन देखें तो हमारा कहां बन रहा है, इन्होंने वैसे मैं बता दिया डबल कोन फॉर्म हो रहा है, तो डबल कोन किस वे में फॉर्म हो रहा है बताओ, ये आपका ऐसे रोटेट हुआ, तो ध्यान से देखो अगर हम इन दोनों वर्टेसेस को ज्वाइन करते हैं तो ये डबल कोन आपका फॉर्म हो जाएगा, एक यानी ये वाला कोन है एबीसी, अगर आपका ट्रायंगल था, ये पॉइंट हम डी दे रहे हैं, तो एक आपका एबीडी कोन बन गया और एक आपका एसीडी कोन बन गया, ये है आपका डबल कोन। आया समझ में, स्लांट हाइट आपने पढ़ा हुआ है कोन में इक्वल होती है, तो ऐसे ऐसे तो हम कोन नहीं बोल सकते क्योंकि इस तरफ 15 है उस तरफ 20 है, कोन आपका एबीडी हो गया, देखो 15 15 ये दोनों इक्वल है, 20 20 यहाँ इक्वल है, तो ये 25 क्या हो गया उसका, सॉरी ये 25 है आपका, तो ध्यान से देखो पहले कोन की हाइट ये है यहां से लेके यहां तक, ओ पॉइंट दे दिया सपोज हमने इंटरसेक्शन को, तो बीओ हमारा H1 हो गया और OC हमारा H2 दूसरे कोन की हाइट, तो H1 प्लस H2 आपका क्या है 25 सेंटीमीटर, यहां तक समझ में आया। L1 क्या है 15 सेंटीमीटर पहले वाले कोन की, अगर हम एबीडी कोन बोल रहे हैं, दूसरा वाला कोन एसीडी दैट इज L2 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बट मेन बात है आपकी रेडियस, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें दोनों कोन का वॉल्यूम निकालना है, आर और एच आपके पास आ गए हैं बट एच भी अभी आपके पास इंडिविजुअल नहीं आया, H1 प्लस H2 आपका 25 है, रेडियस चाहिए हमें, तो कैसे निकालेंगे बताओ, आपको पता है रेडियस और हाइट आपस में क्या होते हैं, तो एंगल ओ 90 डिग्री होगा आपका, एंगल ओ अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो पाइथागोरस अगर हम यहां पे लगाएं इन ट्राइंगल एओबी में, एओबी में अगर हम पाइथागोरस लगाएं, रेडियस क्लियर है बेटा आपका, एओ है दोनों सर्कल का, दोनों कोन का रेडियस एओ है, ठीक है, तो रेडियस को हमने दोनों में ही आर दे दिया, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर बनेगा, याद है क्लियर, इन ट्राइंगल एओपी में, और अगर हम इन ट्राइंगल एओसी में देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम ही, तो क्या बनेगा बताओ, ठीक है, H2 स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 625 माइनस H1 स्क्वायर, और इस वाले में 400 यहां तक क्लियर, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, यानी कि 225 माइनस H1 स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस H2 स्क्वायर। अब H2 को सोचो हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस H1, तो 4 H2 को हम लिख रहे हैं 25 माइनस H1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 225 माइनस H1 स्क्वायर है आपका। अब ये स्क्वायर खोला हमने बेटा,
तो क्या बन जाएगा 625 प्लस या माइनस 50H1 प्लस H1 स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब इस H1 स्क्वायर को हमने उधर शिफ्ट कर दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिए। बेटा देखो 225 माइनस H1 स्क्वायर या सबको इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस 400 प्लस 625 प्लस 50H1 माइनस H1 स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, सबको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है सर, माइनस 50H1 प्लस 50H और माइनस 50H1 हो जाएगा और H1 माइनस और प्लस हो जाएगा इधर आके। ठीक है, इन तीनों का साइन चेंज हुआ पहले और फिर जब शिफ्ट कराए तो साइन चेंज हुआ। अब H1 स्क्वायर और H1 स्क्वायर देखो प्लस और माइनस बन रहे हैं, कट गए। नंबर सॉल्व करो, 225 प्लस 625 कितना हो गया 850 माइनस 400 450 और 50H1 को उधर ही भेज दिया तो प्लस का हो गया 50H1। सो H1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9। तो H1 आ गया आपके पास इससे 9, यहां तक क्लियर। तो H2 क्या होगा, H2 हमने क्या लिखा था 25 माइनस H1 16 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा, यहीं तक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसके बाद आपके पास सारी वैल्यू होगी और वॉल्यूम सरफेस एरिया निकल जाएगा। R क्या निकलेगा फाइनल वैल्यू, अब R स्क्वायर क्या बोला हमने 225 माइनस H1 स्क्वायर, सो H1 क्या था आपका 9, सो 225 माइनस 81 कितना आया 144, सो R स्क्वायर इक्वल टू 144, सो R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, अब दोनों कोन में आपके पास R आ गया, दोनों कोन का रेडियस सेम है, दोनों कोन की हाइट है आपके पास, दोनों कोन की L है स्लांट हाइट है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों के वॉल्यूम ऑफ कोन ऐड करने हैं आपको तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा डबल कोन का। समझ गए, डबल कोन का मतलब बस ये कि दो कोन है उनको एक साथ आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, दोनों कोन का क्लियर, रेडियस आपके पास है, हाइट आपके पास है, रेडियस दोनों कोन का सेम है, हाइट 9 और 16 हो गई, क्लियर। वॉल्यूम निकल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, देखो आर सेम है पाई की वैल्यू भी सेम है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में H1 प्लस H2 हो जाएगा और H1 प्लस H2 आपको पता है क्या होता है 25 था आपके पास पहले से, तो इवन H1 H2 की वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ी, वो हमने निकाल लिया बट जरूरत नहीं पड़ी आपको वॉल्यूम निकालने के लिए डायरेक्टली, क्लियर। और दूसरे पार्ट में सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया के लिए ना तो टोटल बोला ना कर्व्ड बोला, तो क्या करेंगे गलत, सरफेस एरिया बेटा फिगर का बोला जाता है, कभी भी टोटल या कर्व नहीं बोला जाता जब दो फिगर एक साथ ऐड ऑन हो रही है। तो अब यहां पर देखो सरफेस एरिया यानी जो चीज आप टच कर सकते हो, तो डबल कोन तो ये मिला के है ना, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया, आप बाहर की तरफ से उसे टच कर सकते हो ना, तो दोनों कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको ऐड करना है। अगेन कर्व सरफेस एरिया का मामला पाई आर एल, तो पाई आर एल वन प्लस पाई आर एल टू, पाई आर कॉमन आपका L1 प्लस L2 और पाई की वैल्यू आप देखो, अब यहाँ पे कोई भी मतलब 7 से कट ऑफ नहीं हो रहा है तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना। ठीक है, और पाई की वैल्यू हमेशा लास्ट में पुट ऑन करनी है आपको, अगर आपका कोई कट ऑफ हो रहा है 7 से तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेना, अगर 7 से कोई कट ऑफ नहीं हो रहा है तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज करके मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर हो जाएगा पूरा क्वेश्चन।